वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी खुशनूद अली ख़ान और अमेरिका में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज गिल, और लाहौर में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर करंट अफेयर जंग ग्रुप एनजीओ साबिर शाह साहब, और कराची से हमारे साथ हैं एक बहुत बड़े सहाफ़ी और तजिया निगार शौकत जरदारी साहब। नाजरीन, आज जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू कौम के सामने, वो तो वही है कि इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब ने दावा किया है कि वो मरकज़ में गवर्नमेंट बना लेंगे और पंजाब में भी गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन जो एक बात है उसमें और उसके बाद नाजरीन दूसरे भी हैं कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, और फजलुर रहमान साहब ने जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में भी कुछ बातें कही हैं कि कौन जीता है आर्मी चीफ के मुताबिक, और इसके अलावा अमेरिका ने जो है वो आईएमएफ को इशारा दिया है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज जो है, कर्ज़ा जो है वो ना दिया जाए। इन तमाम इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान की जानिब से मरकज़ में हुकूमत बनाने के अमल पर। इसमें कोई शक नहीं कि मरकज़ में सबसे ज़्यादा नशस्तें जो है वो इमरान खान साहब के पास हैं, तहरीके इंसाफ के पास हैं, और उन्हें ही हक है कि वो मरकज़ में हुकूमत बनाएं, और उन्हीं और वही हुकूमत बना रहे हैं। लेकिन जो आवाम का मैंडेट है उसमें इतना एक बारीक सी लाइन है, अगर उसके मुताबिक इमरान खान जो है मरकज़ में हुकूमत बनाते हैं और सामने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MMA और दूसरी जमातें रहती हैं, तो इमरान खान बहुत आसानी के साथ अपने एजेंडे पे अमल नहीं कर पाएंगे, और ना ही वो जो ख्वाब उन्होंने देखे हैं या हमें दिखाए हैं उस पर पूरी तरह से अमल होगा। वो कानून साजी के अंदर ही उलझे रहेंगे। सेनेट में उनकी मेजॉरिटी नहीं है, सेनेट में जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MMA जो है वो इमरान खान के सामने दीवार होंगे, और खुद नेशनल असम्बली के अंदर भी इमरान खान जो है वो अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MMA उनके खिलाफ रहते हैं तो बहुत आसानी से ना कानून साजी कर पाएंगे, ना कौमी असम्बली चला पाएंगे, और बजट पास करने में भी उन्हें मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि लाइन बहुत ही बारीक है। और एक आसान रास्ता है कि वो जो एक रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, और पीपल्स पार्टी के साथ अगर अलायंस करते हैं तो वो एक स्मूथ सेल के साथ अगले 5 साल तक हुकूमत कर सकते हैं, और उनकी हुकूमत को भी कोई खतरा नहीं होगा, और पूरे के पूरा जो उनका ख्वाब है वो भी पूरा कर सकेंगे, और पूरी तवज्जो के साथ वो अपने जो उन्होंने मंशूर पेश किया है, जो आवाम से उन्होंने वादे किए हैं उस पर अमल कर सकते हैं। अच्छा, खुशनूद अली खान, आप कैसे देखते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के बगैर इमरान खान चलते हैं तो आइंदा उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात नजर आ रही हैं, मुमकिन है कि गवर्नमेंट भी जो है वो पूरे 5 साल ना कर पाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद साहब, मैं तो पहले कह चुका हूं और कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि ये हुकूमत 1.5 साल की है। मैं कहता हूं, मैं पहले कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं कि सदारती निज़ाम आएगा, एक रेफरेंडम होगा या पार्लियामेंट में तरमीम होगी, ये हुकूमत लंबी नहीं चलेगी। और मैं पहले कह चुका हूं कि इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी साहब को हुकूमत में हिस्सा देना पड़ेगा, सदारत देनी पड़ेगी और कई ओहदों पर सौदा करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी हुकूमत कंफर्टेबल नहीं होगी और रोज़ टूटेगी और रोज़ बनेगी, इसलिए कि जिस दिन ये कानून साजी में कोई बिल लाने में नाकाम हो जाएंगे तो इन्हें बार बार एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और बार बार लाइनें सीधी करनी पड़ेंगी। सेनेट में ये है नहीं जैसा कि आपने कहा, लिहाजा इनके लिए ये वो हुकूमत नहीं है जिसमें इमरान खान अपना एजेंडा जो है उस पर अमल कर सकेंगे। बस मैं एक बात आपसे ताज़ा करता हूँ, सब इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि इमरान खान को प्रोटोकॉल क्यों दिया, वापस ले लें। ये काम तो मियां नवाज शरीफ ने किया था, पहले कोई 3 बार किया था,
लेकिन चूंकि इमरान खान है इसलिए एतराज आ रहा है। मैं एक सवाल हूं, अब कौन है जो ये कहते हैं आज मौलाना फजल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की और फलांग की, ये वारदात किसने की है कि दो तीन चार या पांच दिनों के बाद इख्तदार लेने वाला इमरान खान? आज आपने समरी भेज दी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, पूरी दुनिया में डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं और आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। क्या आप साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता? ये वारदात किसने की है ये जरा देखें इसको। इमरान खान मरकज में सिर्फ नहीं पंजाब में भी हुकूमत बनाएगा, लेकिन रोजाना सूरत ऐसी रहेगी और स्पीकरों के लिए बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि लोग जब सामने खड़े होंगे, मैं तो रोजाना होता हूं असेंबली में और सेनेट में, तो वहां बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होगी। जी अच्छा, शहबाज गिल आप कैसे देख रहे हैं कि जो खुशनूद अली खान ने कहा है और जो अवामी मैंडेट का डेट का जबर है कि अवाम ने मैंडेट ही ऐसा दिया है कि अगर इमरान खान पीपल्स पार्टी को साथ नहीं लेते तो पांच साल गुजारने मुश्किल हो जाएंगे, उनको रोजाना जो है एतमाद का वोट लेना पड़ा करेगा, उनकी बारी कितनी लाइन है और वो जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं और जो दिखाए हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे, उसकी बजाय अगर वो अवाम का मैंडेट मान लें और पीपल्स पार्टी को साथ मिला लें तो उनकी वो अपना मंशूर पर भी अमल कर सकते हैं और पाँच साल स्मूथ भी गुजर सकते हैं, स्मूथ तौर पर भी गुजार सकते हैं, लेकिन वो अगर अपनी जिद पर अड़ जाएँ तो वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पाकिस्तान में जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जी अंजम, बहुत शुक्रिया आपका। अंजम, मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं देखता हूं ये हूं कि जो आवाम का मैंडेट होता है वो नंबर ऑफ सीट्स से नहीं होता किसी भी पार्टी का। नंबर ऑफ सीट्स कई दफा टेक्निकली आगे पीछे हो जाती हैं थोड़े से वोटों की वजह से। अब जैसे अगर आप पंजाब का सिर्फ वोट बैंक देखें तो 1,11,00,000 तहरीक इंसाफ ने लिए, 1,11,00,000 जो हैं वो तकरीबन वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिए, जो मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें नशस्तें एक दो फ़र्क हो सकती हैं दोनों पार्टीज़ की, और उन एक दो फ़र्क से कई दफ़ा आपको याद है जमाली साहब की गवर्नमेंट एक की मेजॉरिटी से रही थी। तो बुनियादी तौर पे जो इमरान खान को मैंडेट दिया है लोगों ने वो दिया है उनका जो पिछले 22 साल से स्टांस है करप्शन के खिलाफ, उनकी अपनी ज़ात जो है उस पर कभी को फाइनेंशियल करप्शन का स्टेन नहीं है, और यही वो स्टांस लेके पब्लिक में आए और फाइनली उनको इसके ऊपर पब्लिक ने मैंडेट दिया। अब जो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है उन दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, माजी में भी रहे हैं अभी भी हैं और उनके बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं, अभी नए भी खुले हैं। अभी अभी आप अगर इमरान खान उनमें से किसी भी पार्टी के साथ कोऑपरेशन में जाते हैं, डॉक्टर गिल जो रियलिटी है बुनियादी तौर पे होता है ये कि वो जो पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया है उस मैंडेट की वो तौहीन करेंगे, जो मैंडेट असल में उनको ये दिया है कि वो उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट ये जीत किया। ये होगी नंबर एक। ठीक है जी, फरमाइए। मेरा अच्छा, एक सवाल है कि क्या इनके यहां करप्ट नहीं है? इनके यहां क्या करप्ट नहीं है और क्या करप्ट जो हैं वो आल आउदों के बड़ा अच्छा, खुशनूर साहब ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और पॉलिटिकल पार्टी होती है किसी भी सोसाइटी में, इमरान खान जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के वालिद तो नहीं है कि वो सबके जिम्मेदार हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं और उन्होंने यहीं से वोट लेने और यहीं से लीडर लेने हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर एक नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, डॉक्टर गिल आपकी बात पूरी होगी, ये क्लियर हो गया कि आपने इमरान के बारे में नीट एंड नहीं, मुझे सिर्फ एक क्विकली पॉइंट, मुझे मेरा क्योंकि आप आवाज आती नहीं, आप पॉइंट दरमियान में काट देते हैं, करें। मेरा पॉइंट ये है कि वो बुनियादी तौर पर खुद एक नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ उनके पास अगर कोई बुरे लोग हैं तो वो उनको गवर्नेंस नहीं देना चाहते, और ये आप अगले चंद दिनों में देख लेंगे। नंबर एक। बस नंबर दो, उनके अदद पूरे हैं, एक दफा गवर्नमेंट बन गई, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं लग रहे कि उनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स होंगी डे टू डे। अच्छा, जो मैटर्स हैं उनको चलाना। ठीक है, शौकत जरदारी, मैं आपकी राय लेना चाहता हूं कि आप जो अभी हमने मफरूजा आपके सामने पेश किया है कि जो अवाम का मैंडेट है
وہ عوام کے ووٹوں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ جو سیٹوں کی تعداد ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے، جو سیٹوں کی کمپوزیشن ہے اس سے طے ہوتا ہے۔ تو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس میں عوام کا جبر ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر یہ ساتھ ملائیں تو یہ اپنا منشور پورا کر سکتے ہیں اور 5 سال پورے کر سکتے ہیں، ورنہ ان کے لیے مشکلات ہیں۔ اور کیا پیپلز پارٹی عمران خان مل کے کام کر سکتے ہیں آئندہ؟ دیکھیں جی، زرداری صاحب نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، لیکن اس بار مجھے اب بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے پیپلز پارٹی اور عمران خان کے بیچ میں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے، لیکن اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نا، عمران خان صاحب کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے، اور اگر آپ آئین کا آرٹیکل 62-63 اٹھا کے دیکھیں تو آپ کا وہ صادق اور امین والا جو چکر ہے نا، یہ بڑا خطرناک چکر ہے، اور قول اور فعل کے تضاد پر بھی صادق اور امین بندہ نہیں رہتا۔ اور عمران خان صاحب کے ایسے کئی بیانات ہیں جن کو شاید آج ہمارے بہت سے تجزیہ کار دوست اینکر حضرات کہیں کہ جی وہ تو سیاست میں بیان دیتے ہیں، انہوں نے کیٹاگوریکلی آزاد امیدواروں کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک سٹانس لیا کہ جی یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بکنے کے لیے، اور ان کو جو اچھے پیسے دیتا ہے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ تو آج مجھے بتائیں، یہ جو ترین ایکسپریس کی فلائٹ ہے جو بندے بھر بھر کے لاد لاد کے پیسوں کے عوض یا کچھ اور اسٹامپ پیپرز کے عوض لائے جا رہے ہیں، تو آپ کے کال اور فیل کا تضاد تو وہیں پر آ گیا۔ آپ نے کہا کہ جی چودھری برادران، یہ پرویز الہی بہت بڑا ڈاکو ہے پنجاب کا، آج وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ آپ نے کہا کہ جی متحدہ قومی مومنٹ جو ہے یہ قاتلوں کی جماعت ہے، یہ ٹارگٹ کلرز کی جماعت ہے، یہ زہرا شاہد کے قاتل بیٹھے ہیں اس جماعت میں، لیکن آج آپ ادھر پہنچ گئے کہ چلیں جی ہمیں سہارا دے دیں۔ دیکھیں، آپ جن کو طیب اردگار اور جن کو مہاتیر محمد سمجھ رہے ہیں، میری نظر میں وہ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، سوری ٹو سے، یہ میرا اوپینین ہے۔ شوکت آپ کی بات ہوگی، شوکت اس پہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے، شوکت زرداری آپ کی بات پوری ہوگی اس پہ، جو ہے وہ صابر شاہ صاحب کا پوائنٹ میں لینا پڑتا لینا چاہتا ہوں۔ صابر شاہ صاحب، شوکت زرداری نے ایک بہت ہی ایک کلیئر ایک حقیقت آپ کے سامنے پیش کی ہے اور آپ اس کے گواہ بھی ہیں، کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان کا سٹانس جو ہے وہ ٹوٹلی رانگ ہے؟ اور دیکھیے انجم صاحب، بات یہ کہ ہنگ پارلیمنٹ سب تھوڑے تھوڑے مارجن سے سیٹیں ہوں تو ایسے چلتی ہیں، شور مچتے ہیں، لیکن اگر قوانین عوام کی بہتری کے لیے ہوں گے تو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کیسے رد کرے گی اور کیسے سینٹ میں بل منظور نہیں ہوگا؟ نمبر ون، اگر عمران خان کوئی ایسا قانون بنائے جو عوام کے خلاف ہے تو بالکل اسے پورا نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، تعداد ہی پوری نہیں، وہ تعداد ہی پوری نہیں۔ میں عوام کے لیے ایک بل بنا رہا ہوں، میری سپورٹ کیوں نہیں ہوگی؟ ایک اگلی بات، ہاں ٹھیک ہے، پلیز مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ڈائنامکس، پولیٹیکل ڈائنامکس اور ڈیموکریسی کی جو سچویشن ہے، یہ بڑی مختلف ہے دنیا سے اور کتابوں سے۔ یہاں 2/3 ایک میجورٹی کی گورنمنٹ آئی تھی نواز شریف کی، چل نہیں سکی تھی۔ یہاں اور بھی بڑے ہاتھ ہوتے ہیں، بیرون ملک سے بھی ہاتھ ہوتے ہیں اور اندرون ملک بھی قوتیں ہوتی ہیں۔ سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران کرتے کیا ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انتہائی تیز اور مرسیلیس ہو رہا ہے، آج آپ نے نیب کا بیان بھی سنا۔ جب یہ پروسیس تیز ہوگا تو ان کے بہت سارے نقاد اور کرٹک خاموش رہیں گے، روم ملے گا، خطرہ ہوگا میڈیا سے۔ اب جو چینل جو ان عمران کے ساتھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اب عمران سے توقع نہ کریں گے بہت زیادہ اشتہاریہ پیسے دے دیں گے، تو اچانک ان کا بھی ٹلٹ بدلے گا، عمران کے خلاف بحث شروع ہوگی، یو ٹرنز بہت لیے ہیں، بالکل آئیڈیل جو سچویشن ہے۔ یہ شوکت زرداری نے بات کی، ذرا اس کا جواب دے دیں، پیپلز پارٹی والی نہیں، کہ وہ جو ہے وہ آزاد امیدوار بھی لے رہے ہیں، ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں پیسے لے رہے ہیں، صادق اور امین نہیں رہتا بندہ، یہ میرا ایک پوائنٹ ہے۔ صادق اور امین کے اس پہ چلیں گے تو پوری اسمبلی فارغ ہوگی، پہلی بات۔ نہیں، ایم کیو ایم کو قاتل کہا، بالکل ٹھیک، میں کہہ رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اصولی طور پہ پھر ان کو جانا چاہیے، جائیں گے نہیں، نہ کو سیٹ دیں گے۔ زرداری صاحب کی جو کوئی سچویشن ایسی ہے، راجہ پرویز اشرف کے معاملات اور یہ وہ، زرداری صاحب کے اپنے مخدوم شہاب الدین کے، زرداری صاحب پہ کوئی ریفرنس نہیں، دیکھیے ریفرنس ابھی نہیں ہوا، اور جو تھے اس میں وہ کلیئر ہو گئے، نہیں ابھی تلوار لٹک رہی ہے، ریفرنس ایک لیٹر سٹیج ہوتی ہے۔ اگلی بات تو ایسے سچویشن میں زرداری صاحب میرے خیال میں بڑی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے، اگر رضاکارانہ طور پہ فار ایگزامپل یا کسی بیک ڈور چینل کے تھرو اگر عمران کو ووٹ نہیں کر سکتے تو خلاف ووٹ نہ کرے، اس طرح ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتی ہے، اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس کے عمران خان کے درمیان۔ اچھا خوشنود علی خان، آپ کیا سمجھتے ہیں شوکت زرداری صاحب نے جو کہا کہ عمران خان جو ہیں، عمران خان کے ساتھ جو ہے جو جہانگیر ترین ہے وہ ناہل ہیں،
और इसके बावजूद जो सारी गवर्नमेंट साजी है, जो सारी पॉलिटिक्स है, जो सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है इमरान खान की, वो शख्स कर रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाहल करार दिया है, और यही नाहल जो है नवाज शरीफ को करार दिया है, और इमरान खान इसे अपनी विक्ट्री से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इमरान खान को कैसे जज करेंगे कि जो जहांगीर तरीन से सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करा रहे हैं और जहांगीर तरीन जो है नाहल है? अंजुम रशीद साहब, पहला मेरा सवाल तो ये है कि जहांगीर तरीन पर तनकीद करने वाले और उन्हें हदफ़ तनकीद बनाने वाले क्या खुद सारे मनसबे वलायत पर फायज हैं या ताज्जुद पढ़ रहे हैं या सिर्फ सलाम फेर रहे हैं? जहांगीर तरीन ने कोई गुनाह अजीम नहीं किया। मुझे इस पर प्रोग्राम आप कर लीजिएगा कि अपोजिशन के लीडरों ने जो जहाज इस्तेमाल किए मियां मंशा की कंपनी के, वो असल में मलकियत किसकी हैं और वो कौन से जहाजों पर चढ़े फिर रहे थे? जहांगीर तरीन का जहाज है, जाती उनका जहाज है, वो जैसे चाहें इस्तेमाल करें। एक बात उन्होंने साबित कर दी है, वो इमरान के वफादार हैं, लेकिन और किसी और के लिए नहीं है। वो नाअहल है, वो सियासत नहीं कर सकते, तो वो कैसे सियासत कर रहे हैं? पांच पांच दफा ये कंटेंट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये सारे ओहदों के तलबगार हैं। खुशनूद अली खान, आप शौकत जरदारी की बात तो सुने ना, क्या कह रहे हैं? अपील रिव्यू में है जहांगीर तरीन की, जरा ज़हन में रखिए एक टेक्निकल पॉइंट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाहल करार दे चुकी है। बात करना चाहता था, पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन, मुझे यकीन है वो बहाल हो जाएगा, और दूसरी बात आपने कही सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा बात कि आप ऐसे कह रहे बहाल हो जाएगा। बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ इससे, लेकिन ये वक्त का जबर है, वक्त के जबर में ऐसी बातें होती रहती हैं। और हमारे मुल्क का आईन और कानून कहता है कि आजाद उम्मीदवार जो हैं वो चले जाएं पार्टियों में, तो आईन और कानून उनकी कीमत लगने की फराहम करता है मौके। लिहाजा पहले मुल्क का कानून और आईन बदलें, फिर इमरान खान से बात करें और फिर कीड़े निकाले। सर, मेरी बात इमरान खान ने की थी, मैं तो कॉल ऑफ सेल के तजाद की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे, जरदारी साहब को साथ मिलाएंगे तो कामयाब। ठीक है, अच्छा सबशा, आप इसमें कुछ कहना चाहते, मुत्तफिक आप इस बात? जी, मैं खुशनूद अली खान साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि रिव्यू में जो गए हुए हैं मुमकिन है फैसला इनके हक में आ जाए। और एक और बात, आप खिलाफ भी आ सकता है, नाहल सुप्रीम कोर्ट ने तो नाहल करार दिया है, लेकिन ये बिल्कुल नई बात हम कर रहे हैं। लोग यही समझ रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। आगे चांस तो नहीं, आधा सेकंड दीजिए, आधा सेकंड दीजिए, खबर मैं आपको दे दूं। अलीम खान का भी जो केस चल रहा है नैब के पास, इसमें भी जो मनी ट्रेल है माँ बाप के जमाने की दे चुके हुए हैं एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का, इसमें शायद ना फंसी। अलबत्ता वो जो केस है एक्विजिशन ऑफ लैंड जो इन्होंने ली और बाद में DHA के साथ मर्जर करके पार्कव्यू सोसाइटी को फेज 8 बनाया, ये केस जरा मुश्किल हो सकता है। लेकिन बहरहाल केस फाइल होने में, रेफरेंस फाइल होने में, सजा होने में साल लग सकता है। सो अलीम कैंडिडेट जी, डॉक्टर शहबाज गिल, आपने सबर शाह की बात सुनी है और खुशनूद अली खान की भी, लेकिन ये एक रियलिटी है कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ नाहल है उस तरह से जहांगीर तरीन नाहल है, लेकिन जो पूरी पार्टी है वो एक नाहल शख्स चला रहा है, और इमरान खान जो है वो बड़े फख्र से कह रहे हैं कि उन्हें नाहल कराया, लेकिन उन्हें जहांगीर तरीन और अलीम खान नजर नहीं आ रहे। यार उसने कहा, कहा पार्टी शहबाज गिल से कहा, डॉक्टर शहबाज गिल को जवाब, कानून क्या कर रहे हैं आप उसके साथ, उसकी क्यों मुखालफत कर रहे हैं आप सारे लोग? डॉक्टर शहबाज गिल को जवाब दे देना, मुझे जरा मुझे जवाब दे लेने दीजिएगा। देखिए, इसमें दो तीन बातें आपको समझ आएंगी कि जैसे अगर अदालत से, पहली बात तो उनकी अभी अपील का फैसला होना है जहांगीर तरीन साहब की, लेकिन इससे हटके भी अगर आप देखें कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स कोई भी जुर्म करता है और उसको अदालत सजा देती है तो अदालत सजा देती है। मैं इससे ये रेलेवेंट नहीं, बाद में मेरी बात को ये ना कह दीजिएगा बिजनेस हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि आप सरकार की नौकरी नहीं कर सकते लेकिन आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं उसके बावजूद भी, अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में सजा मिली है, या आप कोई आपके स्कूल खोलने पर पाबंदी नहीं है, आपके यूनिवर्सिटी खोलने पर पाबंदी नहीं है आइन के मुताबिक, आपके अस्पताल खोलने पर पाबंदी नहीं है अगर आपको किसी जुर्म में सजा भी मिल गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो उनको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से आपने मना कर दिया, वो इस टाइम PTI में कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे। अगर वो एक पार्टी जिसके साथ
उनकी बहुत सारे अमेरिका में बिजनेसमैन हैं जो किसी पार्टी की पॉलिसीज को पसंद करते हैं तो उसे पैसा देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पार्टी में नहीं होते। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको टैक्स चोरी में किसी जमाने में साथ पार्टी चलाते नहीं है, मतलब ये तो नहीं है को रिप्रेजेंट करने आए हैं, हुकूमत साजी के लिए वो बातें करने आए हैं कराची में, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ना अहल हैं फॉर दी पॉलिटिक्स। सरदारी साहब आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, कहां है उनकी टांगे बांधने, ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, पार्टी के लिए कहां है कर सकते हैं जी, लिखा है आइन में, लेकिन यहां पर हम ले रहे हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद सरदारी इसका जवाब देंगे। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक है, हमारे साथ रहेगा। से पहले हमने शौकत जरदारी साहब से क्वेश्चन किया था कि शौकत साहब आप कैसे देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो नाहल हैं, जो इमरान खान की फ्रंट मैन के तौर पर इमरान खान के सबसे बड़े पॉलिटिकल प्लेयर जो हैं वो जहांगीर तरीन हैं, और उनके बाद वो परवेज इलाही को जो है वो परवेज इलाही हैं, फिर जो है अलीम खान है। अब अलीम खान और जहांगीर तरीन जो हैं वो इस वक्त पूरी इस तहरीक इंसाफ चला रहे हैं, लेकिन इमरान खान का जो बयानिया है वो उससे मुतजाद है। जी मुझसे पूछ रहे हैं जी शौकत जरदारी आपसे। जी देखें बात बड़ी सिंपल है सर, कि यकीनन इमरान खान साहब जो हैं वो असेंबली में एक अक्सरियत तो लेके आए हैं और उनका हक भी बनता है कि वो हुकूमत बनाएं, लेकिन 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 बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उनको बड़ी दुश्वारियां हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मेच्योर पॉलिटिशियन का और एक नए सियासतदान का, आप 2008 के इंतखाबात के नतायज उठा के देख लें और देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और इनसे भी बहुत कम वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाए। लेकिन दूसरी तरफ आप इमरान खान को देखें कि 115 सीटों के बावजूद अभी तक एक बड़ा कन्फ्यूजन सा माहौल है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मियाँ साहिबान की बात है, मुझे अगर आप दोबारा रिपीट कर दें, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, दूसरा हिस्सा जो था आपका। जी शौकत जरदारी, वो जो आप एक सिंध की सूरतहाल पे बात कर रहे थे, और अभी सूरतहाल ये है कि सिंध के अंदर जीडीए ने जो है वो ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जीडीए ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इलेक्शन के नतायज को मुस्तरद किया है। लेकिन मुझे बड़ी परेशानी हुई कि एक तरफ उनके साथ एमक्यूएम के लोग बैठे थे, जो मैं हो सकता है जब जरदारी साहब बात कर लें तो मैं पॉइंट देना चाहूंगा जरदारी साहब की बात के बाद। अच्छा नहीं जी मुतवक्का तौर पर वो इमरान खान के इत्तेहादी बनने जा रहे हैं एमक्यूएम के, उनकी कुछ शरायत भी आई हैं, और साथ साथ जीडीए खुद जो हमारे पास खबरें आ रही हैं अंदर से कि जीडीए खुद फेडरल गवर्नमेंट में एक शेयर लेने की पोजीशन में, और उन्हीं बेसिस पर इनकी बातचीत हो रही है सिंध में अपोजिशन एक साथ करने के हवाले से और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अलायंस बनाने के हवाले से। तो बहुत सारे तजादात हैं जीडीए के बयानों में भी, और खास तौर पर पीटीआई के बयानात में, एमक्यूएम के बयानात पे। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने भी इनको स्क्रिप्ट थमाया ना तो वो इनको दी एंड नहीं बता सका कि इलेक्शन के बाद आपसे दी एंड किस तरह करना है, वो एंड कुछ और होना था, बात हो गई, हो कुछ और गया, अब सारा परेशान है कि हम करें तो क्या करें, किस तरह फेस सेविंग करें। शहबाज गिल आप पॉइंट कह लें, मैं फिर उसके बाद साबिर के पास आने जाता हूं। शहबाज गिल जी जी, मैं बहुत क्विकली, मुझे इसमें आवाज़ सही नहीं आती, जब आप मुझे टोकते हैं तो वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, मुझे जो भी 15-20 सेकंड देने हैं काइंडली अन इंटरप्टेड दीजिएगा। मैं जरदारी साहब की जो बात है उससे मैं बड़ा हैरान हूं, क्योंकि वो बहुत ही कन्फ्यूज बात कर रहे हैं। अभी तक ना तो नोटिफिकेशन हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अभी पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ किस तरीके से गवर्नमेंट अनाउंस कर दे और बना ले, अब इमरान खान घर से बैठ के अभी कौमी असेंबली का दरवाजा तो नहीं खुलवा सकते रात के 12 बजे, और वहां प्राइम मिनिस्टर का ओथ तो नहीं ले सकते, और भाई जाने दें, अभी वोटों की गिनती हो रही है, आपका ऑफिशियल तो तारीखें दे रहे हैं, तारीखें दे रहे हैं, कौन जीता कौन हारा, उसके बाद मेंबर सामने आने हैं, उसके बाद आपने किसकी बात करवानी है, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज, मुझे आप लोग मुझे बात नहीं कर, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे प्लीज, कर जल्दी उसके बाद आप किस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन अभी हमजा शहबाज शरीफ ने और सनाउल्लाह साहब ने जो है
وہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اور ہم ہی حکومت بنائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی حکومت نہیں بنا سکتا، ہمارے آزاد اراکین پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، انہیں جو ہے وہ رشوت دی جا رہی ہے، انہیں جو ہے دباؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم اس لیے نام نہیں بتا رہے ورنہ ہم حکومت بنائیں گے۔ اچھا خوشنود علی خان، اس پہ آپ کا کمنٹ آنا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ میرا بھائی ہے، لیکن اس نے شاید بات کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ جو ان کا اجلاس تھا مسلم لیگ کا، اس میں کتنے لوگ آنے تھے اور کتنے آئے؟ یعنی 129 کا ان کا ہاؤس ہے، 129 میں سے 106 آئے، ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے ان کا، کوئی دوسرا کچھ کہے یا نہ کہے، پہلے ہاؤس ان آرڈر کریں، پھر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ گرینڈ الائنس بنا رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی سے 6 ووٹر نہیں مانگ سکے ابھی تک۔ تو حکومتیں اس طرح سے نہیں بنتی اور نہ ہوتی ہیں۔ عمران خان کے بارے میں آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا یہ وقت کا جبر ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے، تو ان پر مسلم لیگ پر وقت کے جبر نے بھی کام نہیں کیا کہ یہ صحیح بات جو ہے وہ کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں، ان پہ بے پناہ پریشر ہے۔ لوگ یہاں بھی وعدہ کر چکے ہیں، مرکز میں بہت سارے لوگ شاید اس دن سیگریٹ بیلٹ ہوگا تو اس طرح ووٹ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، حالت بہت خراب ہے۔ خوشنود، آپ کی بات پوری ہوگی، اللہ کرے وہ ایسا ہو۔ وہ شاید اخبار نویسوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی خواہش ہے، آپ کا سوال ہے، طریقے سے کہہ رہے تھے، مگر ان کا وہ بھی حقیقت نہیں بیان کر۔ خوشنود، آپ کی بات ہوگی۔ اچھا شوکت زرداری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو حکومت بنانی چاہیے اور پیپلز پارٹی کے 5 ووٹ مسلم لیگ نون کو ملنے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز ایک بڑی جماعت بن کر ابری ہے اتنے سارے کرائسس کے باوجود بھی۔ لیکن بڑے دنوں سے میں سن رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سن رہا ہوں، حمزہ شہباز کو بھی سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بندے پورے ہیں لیکن ہم نام نہیں بتا سکتے۔ یا تو یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، اور آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی ایک موٹیویشن ملے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس قسم کی پلاننگ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے انڈیپینڈنٹ امیدواروں کو لیتے ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر الائنس بنتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا، تو وہ صرف پنجاب میں نہیں بنے گا، وہ پھر قومی اسمبلی میں بھی بنے گا۔ شوکت، آپ کی بات۔ اچھا ڈاکٹر شہباز گل، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں تو مینڈیٹ واقعی مسلم لیگ نون کو ملا ہے، مسلم لیگ نون کی سیٹیں زیادہ ہیں، چاہے دو ہی زیادہ کیوں نہ ہو؟ دیکھیے، ہمیں بالکل عوام کے سامنے سچ رکھنا چاہیے، وہ بے شک مسلم لیگ نون کی سیٹیں زیادہ ہوں یا پی ٹی آئی کی، ہم سب سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ہم چاروں دوست، پانچوں دوست، اور ہمیں پتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ کولیشن میں، ہمارے ملک میں 2-پارٹی سسٹم تھا، امریکہ میں 2-پارٹی سسٹم، اب ہمارے بھی ایک تیسری بڑی پارٹی آ گئی ہے، پوری دنیا میں لوگ کولیشن میں الیکشن لڑتے ہیں، اور جو ایک اتحاد بنتا ہے پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کی سیٹیں کتنی ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پی ایم ایل کیو نے اور پی ٹی آئی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی، ہمیں پتا ہے، اور وہ اتحادی بھی تھے الیکشن لڑنے میں۔ تو اگر ان دونوں کی سیٹیں، پاکستان تحریک انصاف کی اور پی ایم ایل کیو کی سیٹیں اکٹھی کی جائیں، جو کہ ایک اخلاقی، مورل اور لیگل ہر لحاظ سے ایک اتحاد بنتا ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، بعد میں اناؤنس نہیں کی، تو وہ ایک پارلیمنٹ کی، پنجاب پارلیمنٹ کی سب سے اکثریتی گروپ ہے۔ تو یہ پی ایم ایل این کا یہ جو کلیم ہے، یہ جھوٹ ہے یا غلط بیانی ہے کہ پی ایم ایل این کیو پنجاب میں اکثریت رکھتی ہے، 2 سیٹوں سے 2 MPAs کی نشستوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کا جو اتحاد ہے وہ اکثریتی گروپ ہے، اور ان کو حکومت سازی کا حق ہے۔ اس کے بعد 17 MPA آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک اور بھی بہت مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، لوگوں کو سٹام پیپر دکھاتے ہیں کہ جیسے کوئی عمران خان ان کے پلاٹ اپنے نام لگوا رہا ہے ایم پی اے کا۔
भाई ये आपकी लेजिस्लेशन इस तरीके से, आपका इलेक्शन कमीशन मांगता है कि अगर कोई बंदा आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो वो स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे कि मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। वो इमरान खान उनकी जायदाद नहीं अपने नाम लगवा रहा या कोई इलीगल एग्रीमेंट नहीं उनसे कर रहा, ये इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कोई ज्वाइन करता है तो स्टैम्प पेपर पे वो लिख के दे कि मैंने ज्वाइन किया है। इसलिए जो भी मेंबर इमरान खान को ज्वाइन करने आता है वो स्टैम्प पेपर भरता है। 17 लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं, मैं आपको अगली खबर दे देता हूं, 3 लोग सुबह और ज्वाइन कर लेंगे पीटीआई को, तो ये टोटल हो जाएंगे 20 मेंबर। ठीक है, 129 वो पहले हैं, 129 और 20 कितने हो जाएंगे आप गिन लीजिए, तो उसके बाद आप देख लीजिए कि इस टाइम एक सरियती पार्टी कौन सी है। और जो आजाद मेंबर है आपकी बात, पैसे से खरीदो फरोख्त हो रही है, कोई भी पार्टी कर रही है तो वो जुर्म है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आजाद मेंबर अपनी मर्जी से किसी पार्टी की पॉलिसी पे ज्वाइन कर रहा है, की बात होगी। साबिर शाह आप बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं कि हलफनामा लिखवा रहे हैं, ये आप नहीं समझते कि ये इसमें पैसे का और हॉर्स ट्रेडिंग का अमल दखल है, वरना ये लिखवाने की इतनी फौरी जरूरत क्या थी? माजी में ऐसा ही हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, बिल्कुल हुई है, और बादियों नजर में अभी भी हो रही है, बादियों नजर में ऐसा महसूस होता है, मेरे पास सबूत कोई नहीं। एक बात, दूसरा मैं राणा सनाउल्ला की अभी बात सुन रहा था जी कि लोगों को पटे डाले जा रहे हैं, भाई पटे कुत्तों को डाले जाते हैं, जबान को ठीक करें आप। दूसरी बात यह है कि धांधली ना भी हुई हो, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बद इंतजामी की है कि इन्होंने इमरान खान की कामयाबी को भी गहना दिया है। इलेक्शन कमिश्नर शुड रिजाइन अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट पीपल इन द इलेक्टोरल बॉडी। यू नो वॉट देव डन, दे हैव एक्लिप्स्ड इमरान ट्रायंफ थ्रू देयर इनकॉम्पिटेंस। ये तो दुनिया में होता है, इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि अंदाज़ा करें कि पैसे में सियासत की बात कौन कर रहा है, हमजा शहबाज जो इसके बानी है। तीसरी बात, क्या पीपल्स पार्टी ने ज्वाइन कर लिया है पीएमएलएन को? और चौथी बात, अभी बंदे पूरे नहीं हुए, कल शाम तक या परसों तक। अच्छा शौकत जरदारी, आपका कमेंट आप करना चाह रहे, आखिरी कमेंट कर दे, मैं प्रोग्राम क्लोज कर दे। मैंने शौकत जरदारी, मैं सिर्फ गिल साहब को इतना कहना चाहूंगा कि मेरा कहने का मकसद यह था कि इंतखाबात के नतायज के बाद जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लाई, अब तो जाहिर बात है जोड़ तोड़ का अमल है, आपकी सीट एडजस्टमेंट भी थी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम ने 129 सीटें उठा ली या 122 सीटें उठा ली। तो ये इसको हम जनरल इलेक्शन की बात कर रहे थे, बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है, जो अक्सरियत लाएगा यकीनन उसका। अगर दो पार्टी इत्तेहाद के साथ इलेक्शन में जाएंगी तो उनकी सीटों को इकट्ठा गिना जाएगा। अच्छा, आखिरी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की असेंबली बन रही है बड़ी टाइट, मेरे ख्याल है कि इसके लिए कौमी असेंबली के लिए आरएफ अलवी और पंजाब असेंबली के लिए परवेज अलवी को स्पीकरशिप ऑफर करनी चाहिए। अच्छा खुशनूर अली खान, आपका आपका आखिरी कमेंट चाहिए, दो जुमले बस। खुशनूर, पहली बात तो यह है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही अगर इमरान खान स्टाम्प लिखवा रहे हैं। ये गिल साहब ने ठीक कहा है कि उन्हें इसका लीगल हक है, वो कैसे जाएंगे उस पार्टी को ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या किसी सादा कागज पे लिख देंगे? लिहाजा स्टाम्प, मेरे पास वीडियोज हैं इसकी, लेकिन ये वो ठीक कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने तो कहा है कि ये हुकूमत कंफर्टेबल नहीं होगी, रोज टूटेगी, रोज बनेगी, रोज एतमाद का वोट होगा, ये मेरा है। और मैं तीसरा कहता हूँ, जो सियासतदान कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाए, इस मुल्क में पहले यह अमल हुआ है, ये फिर अमल होगा, रस्ते बंद कर रहे हैं वो। मैं क्विक कमेंट करूंगा, जब मेरा निकाल हुकूमत टूटेगी, इमरान खान एक बहादुर सियासतदान है, उन्हें लगा अगर गवर्नमेंट नहीं चल रही वो असेंबलियां तोड़ के दोबारा इलेक्शन करवा देंगे, वो असेंबलियां तोड़ के दोबारा इलेक्शन करा देंगे, वो असेंबलियां तोड़ के दोबारा इलेक्शन करा देंगे। चलेगी बहादुरी से नहीं चलेगी, वाटरलू का मैदान नहीं है जहां नेपोलियन लड़ा था, हिकमत से चलानी पड़ेगी। इसमें मैंने फिर कहा कि परवेज अलाई को भी साथ लें, इस जीडीओ को भी साथ लें, इन्हें स्पीकरशिप दें, किसी को गवर्नरशिप दें, मिल मिला के चलाना पड़ेगा। वाले लोग चाहिए होंगे जहांगीरतरीन जैसे। नाजरीन, आपने तमाम पार्टिसिपेंट की जो है वो राय सुनी है, हमने जो आज के अहम इशू थे उन पे बात की है, अब ये फैसला करना तो आपका काम है कि किसकी राय कितनी दुरुस्त थी और किसकी कितनी दुरुस्त नहीं थी। अब हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।